साहिब दा सरकारी हस्पताल जो कि डॉक्टरां ते स्टाफ दी घाट कारण अक्सर ही सुर्खियां विच बनिया रहिंदा है, अज फिर हस्पताल विच माड़े प्रबंधां दी घाट उभर के उदों सामने आई जदों जनेपे दौरान एक बच्चे दी मौत हो गई। बच्चे दी मौत तो बाद परिवारक मैंबरां विच सेहत विभाग खिलाफ भारी रोस पाया जा रहा है। इस संबंधी गलबात करदिआं पिंड सैसोवाल कलां दे रमनदीप सिंह ने दस्सिया कि उसकी पत्नी पूजा कुमारी 6 साल बाद गर्भवती हुई सी, जिसनों जनेपे दौरान ड्यूटी ते तैनात स्टाफ नर्स अते आशा वर्कर लेबर रूम विच लै गईआं, जो कि कई घंटे तड़फदी रही, पर डिलीवरी लई कोई भी डॉक्टर ना पुज्जिआ। अखीर जदों डिलीवरी दौरान हालत गंभीर हो गई तां उत्थे मौजूद स्टाफ नर्सां वल्लों ही डिलीवरी करवाई गई, पर डिलीवरी दौरान बच्चे दी मौत हो गई। पति रमनदीप सिंह ने दस्या कि सरकारी हस्पताल दे माड़े प्रबंधां कारण उसदे नवजम्मे बच्चे दी मौत हुई है। परिवारक मैंबरां ने सरकार ते प्रशासन तो मंग कीती है कि सरकारी हस्पताल दे माड़े प्रबंधां लई अते उन्हां दे नवजम्मे बच्चे दी मौत लई जो भी जिम्मेदार है उन्हां खिलाफ कार्रवाई करके उन्हां नूं इंसाफ दवाया जावे। मेरी वाइफ है जी पूजा कुमारी, सैंसवाल कला था जी। राती असं 9 बजे आए थे जी, इन्होंने लेबर पेन शुरू हो गई तो अच्छे इन्होंने एडमिट कर सू तो 9 बजे तो लैके इन्होंने 4:30 बजे तक सानू इतने तड़फाते रहे। 4:30 बजे कहते बच्चा फस गया तो बाहरों डॉक्टर बुला के इन्होंने बच्चा कढ़ाया, इन्होंने को आप भी कुछ नहीं होया जी। बच्चे की डैथ हो गई जी? बच्चे की डैथ हो गई। इतने डॉक्टर कोई नहीं, रात में डॉक्टर कुछ कोई नहीं आया जी, कल तो नहीं आया, अज नहीं आया डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर ने डिलीवरी की थी? डॉक्टर ने डिलीवरी की, जोड़े ने स्टाफ अनुसार इंचार्ज होंगे नर्स वगैरह होंगे उन्होंने करे डॉक्टर। हम तुम की मांग करते हो प्रशासन तो जी? इंसाफ तो आया जाए। अच्छा, किदा होया जी सारा मामला? ये सारा मामला सर रात 9 बजे इतने लग आए थे। हाँ जी। तो उन्होंने एडमिट वगैरह किया, उन्होंने दसा भी इन्ने घंटे डेढ़ घंटे तक उन्होंने भी केस होना है जी। उन्होंने बुक वगैरह लगाई तो 11 बजे ले गए उन्होंने लेबर रूम के बाद 11 बजे तो बाद 2 बजे तक कोई इन्होंने रिस्पोंस नहीं क्या भी नॉर्मल होगा केस, कोई नॉर्मल नहीं किया उन्होंने। जो बच्चा बाहर जमें कितना बहर आया तो बाद बच्चा फस गया तो बच्चे के बाद डेथ हो गई। डॉक्टर ने किया सारा कितना जरा नर्स ने डिलीवरी की सारी? हाँ जी, डॉक्टर साहब तो आए नहीं। अच्छा जी, तो उस तो बाद बाहरों डॉक्टर भी बुलाया गया वा जो बच्चे डेथ हो गई? बाद उन्होंने बुलाया जी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने फोन करके तो डॉक्टर साहब ने बुलाया तो कोई आत्मा हॉस्पिटल उन्होंने बुलाया। अच्छा, किन्ने साल बाद होया जी बच्चा इन्हां दे जी? 6 साल हो गए। 6 साल का बच्चा। तो तुम की मंग करते हो प्रशासन तो जी? प्रशासन मंग करते हैं जी डॉक्टर साहब से जी ड्यूटी वगैरह करन, बाकी बच्चे का जो भी माड़ा होया। हाँ जी, माड़ा होया 6 साल बाद बच्चे का जो भी है उसका परफेक्ट है। उधर माचीवाड़ा सरकारी हस्पताल च तैनात SMO डॉक्टर जसप्रीत कौर ने दस्या कि इत्थे एक डॉक्टर नाल काम चलाया जा रहा है, जबकि दूजा डॉक्टर समराला तो विशेष तौर ते OPD लई आरजी तौर ते बुलाया गया। उन्होंने दस्या कि पहला भी डॉक्टरां दी घाट कारण माचीवाड़ा हस्पताल विच नर्सां ही डिलीवरी करदियां ने। पहली गल तो ये है कि जिहड़े बच्चे की डैथ हुई है बड़ी मंदभागी घटना, मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार नाल है, बट जिहड़ी डिलीवरी हुई है वो स्टाफ नर्स ने की है जो कि क्वालिफाइड होंदी है नॉर्मल डिलीवरी कर। साडे माछीवाड़ा विखे जिहड़ियां डिलीवरीज ने नॉर्मल डिलीवरीज ये स्टाफ नर्सिस कर दी आ रही ने, 50-60 डिलीवरीज महीने दी हो जाती है। तो इस करके मैं यही कहूँगी भी ये मंदभागी घटना है। डॉक्टर नहीं डिलीवरी करते? डॉक्टर तुसीं ऑन कॉल बुलाउंदे नहीं डिलीवरी करते? एमरजेंसी डॉक्टर इत्थे है नहीं कोई जी? नहीं, डॉक्टर जिहड़े एमरजेंसी वास्ते साडे कोल सिर्फ एक डॉक्टर है हुण प्रेजेंटली, एक डॉक्टर असीं बाहरों बुलाए, ये डॉक्टर 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। उस तो बाद रात को अगर कोई एमरजेंसी आती है उसको फर्स्ट एड वगैरह दे के प्रॉपर मैनेज करके डॉक्टर ना टेलीफोनिकली कंसल्ट करके उस तो बाद पेशेंट को रेफरल जिहड़ा हायर इंस्टीट्यूट रेफर करते हैं। यानी कि इत्थे डिलीवरी डॉक्टर नहीं करते, नर्सां ही करदियां अक्सर? डिलीवरीज नर्स स्टाफ नर्सिस करदियां एंड ये हो ही जाता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚਾ ਫਸ ਗਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ।
माचीवाड़ा तो पीबीसी न्यूज़ ले अनुराग संदल दी रिपोर्ट।